इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप सैमसंग के मोबाइल फोन में पॉइंटर लोकेशन सेटिंग को कैसे ऑन कर सकते हैं और इससे क्या होता है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है अपने सैमसंग मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में, और यहाँ पर आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन होना चाहिए। तो आपको सेटिंग में आकर यहाँ पर आपको नीचे आना है, और नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अबाउट फ़ोन का, या अबाउट फ़ोन का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा। आप सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें अबाउट फ़ोन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अबाउट फ़ोन पर क्लिक करके इसमें चले जाएंगे। अबाउट फ़ोन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का, तो आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे तो आपको यहाँ बिल्ड नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, या दोस्तों किसी किसी मोबाइल फ़ोन में डायरेक्ट अबाउट फ़ोन में ही आपको बिल्ड नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन किसी किसी फ़ोन में अबाउट फ़ोन में आने के बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आने के बाद बिल्ड नंबर का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको डायरेक्ट अबाउट फ़ोन में बिल्ड नंबर का ऑप्शन मिल जाता है तो आप यहां लगातार 7 बार क्लिक कर दीजिएगा बिल्ड नंबर पर, और अगर अबाउट फ़ोन में आकर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलता है तो आप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है उसमें बिल्ड नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जो है बिल्ड नंबर पर क्लिक करके उसमें आप चले जाइएगा, और बिल्ड नंबर पर लगातार आप 7 बार क्लिक कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाने के बाद आपको बैक आना है सेटिंग के मेन पेज पर। सेटिंग के मेन पेज पर ही जब आप नीचे आएंगे तो आपको डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तब आपको सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। सिस्टम पर ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें आ जाएंगे। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना होगा, तो नीचे आने पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंटर लोकेशन का। तो जब आप यहाँ पर आपको जो है 4-5 बार नीचे आना होगा तो आपको ये देखिए पॉइंटर लोकेशन का सेटिंग मिलेगा। अब ये सेटिंग देखिए यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि अगर आप स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पर देखिए एक दोस्तों पॉइंटर बन जाएगा, और आप जितना फिंगर को घुमाएंगे जिस तरीके से तो उस तरीके से आपके मोबाइल पर एक जो है लकीर बनता जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं घुमा रहा हूं तो यहां पर एक लकीर बनता जा रहा है। तो यही होता है पॉइंटर लोकेशन सेटिंग। ऑन रखेंगे तो इससे यही होगा कि आप कहीं भी अपने फिंगर को घुमाएंगे या टच करेंगे तो वहाँ पर एक पॉइंटर लोकेशन बन जाएगा और वहाँ पर एक लकीर भी बनता जाएगा। इस तरीके से आप इसे ऑन कर सकते हैं, और बंद करना है तो बस आपको इसी तरीके से डेवलपर ऑप्शन में आना है जिस तरीके से आपने यहाँ तक पहुँचा। और डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पॉइंटर लोकेशन वाला ये सेटिंग बंद कर देना है, तो ये बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है सैमसंग के मोबाइल फोन में पॉइंटर लोकेशन सेटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।